पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर की ओर से आयोजित रामलीला में श्री ब्रज लोक लीला संस्थान वृंदावन के कलाकारों ने भव्य मंचन किया। शुक्रवार को लक्ष्मण द्वारा राक्षसी सुपंखा की नासिका भंग का दृश्य दिखाया गया। राम पंचवटी की कुटिया में बैठे हुए फूलों से सीता का श्रृंगार कर रहे होते हैं, तभी इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप में आकर सीता के पैर में चोंच मारता है। राम घास का एक तिनका उठाकर उसे अग्निबाण बनाकर जयंत के पीछे छोड़ते हैं। जयंत अपने प्राण बचाने के लिए अपने पिता इंद्र के पास पहुंच जाता है। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु और भगवान महेश के पास जाता है, पर सभी लोग उसकी सहायता से मना कर देते हैं। अंत में नारद ऋषि के सुझाव पर जयंत राम के चरणों में पड़ जाता है। राम और माता सीता उसे क्षमा कर देते हैं। दिखाया गया कि वन में राम की कुटिया के बाहर से गुजर रही राक्षसी सुपंखा उन पर मोहित हो जाती है। वो राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन राम माता सीता के विषय में बताकर मना कर देते हैं। मित्र अरुणारी जीवन अंध बधिर क्रोधी अति दीना। और स्त्री का पति चाहे अंधा हो, वृद्ध हो, रोगी हो, कोढ़ी हो, धनहीन हो, लेकिन स्त्री पति कर किए अपमान नार पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे पति का स्त्री यदि अपमान करती है तो वो यमपुर के नरक में जाकर के अनेकों प्रकार के कष्ट भोगती है। एक ही धर्म एक व्रत ने और स्त्री का इस संसार में एक ही धर्म है, सबसे बड़ा एक ही नियम है, वो क्या है? वो है अपने पति की सेवा करना। ये सोने श्रृंगार करके आई हूँ और ये जो आपके पास बैठी है ना, ये अच्छी नहीं लग रही। आप तो बड़ी ही सुंदर लग रही हो। अब तो अब आप प्रातः लक्ष्मण के पास जाइए, अब तो आपसे वह जरूर विवाह कर लेंगे। अरे आप कभी तो कहते हैं लक्ष्मण जी के पास जाइए, वो विवाह कर लेंगे। वो कहते हैं मेरे बड़े भाई के पास जाइए। आप क्यों नहीं शादी करते? आपको कुछ कुछ मन नहीं करता, कुछ कुछ होता नहीं है? अरे आप जाइए तो सही। सीता शयन देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण अति लाघव सो गई, पहुंच गई और फिर खेलने लगी। पहले से भी ज्यादा सुंदर, शादी कर लो, अति सुंदर लग रही है आप। पहले आप सुंदर थी, अब खूब सुंदर लग रही है। आपकी वजह से ही सोलह श्रृंगार करके आई हूं। सोलह श्रृंगार ने होए होए रे बाबा कंगोटिया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।